निर्देशक प्रशांत नील ने किया एक बड़ा खुलासा। बिग बी के इन किरदारों पर बनी केजीएफ और सालर। साउथ सिनेमा के जाने माने निर्देशक प्रशांत नील अपनी फिल्म सालर वन सीज फायर की सफलता से उत्साहित हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रोज सफलता के नए आयाम स्थापित कर रही है। प्रशांत ने अब जाकर खुलासा किया कि उनकी फिल्मों के किरदार वह हिंदी सिनेमा के कुछ चुनिंदा कालजयी किरदारों से प्रेरणा पाकर लिखते रहे। उनकी फिल्मों का एंग्री यंग मैन इन्हीं किरदारों के चोले पहनकर आया है। बता दें कि प्रशांत नील कहते हैं, हां मैं ये मानता हूं कि अमिताभ बच्चन मेरी सभी फिल्मों के सबसे बड़ी प्रेरणा है। उन्होंने अपनी बहुत सी फिल्मों में नायक की ऐसी भूमिकाएं निभाई है जिसमें खलनायक भी वही है। यहाँ एक ऐसी शैली है जिसे उसके बाद शायद ही कभी देखा गया। जिस तरह से उन्होंने नकारात्मक पात्र को चित्रित किया, मुझे नहीं लगता कि किसी और ने ऐसा किया है। अपनी फिल्मों उग्रम, केजीएफ, केजीएफ 2 और सालर 1 के किरदारों की चर्चाएं चलने पर निर्देशक प्रशांत नील बताते हैं, अमिताभ बच्चन इकलौते ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने विलन को भी हीरो बना दिया। इसीलिए मैं भी अपनी फिल्मों के साथ ऐसे करने की कोशिश करता हूं। मैं अपने सकारात्मक किरदारों को नकारात्मक दिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरा एक ही मूल मंत्र है और वहाँ ये है कि हीरो मेरी फिल्म का सबसे बड़ा खलनायक होना चाहिए। अगर प्रशांत की 2024 में रिलीज हुई पहली फिल्म उग्रम को गौर से देखे तो ये एक तरह से अमिताभ बच्चन की कालजयी फिल्म दीवार से प्रेरित नजर आती है। इस कहानी का हीरो अगस्त साधारण मोटर मैकेनिक है, लेकिन जब वो अपने सामने औरतों पर अन्याय होते हुए देखता है तो बागी बन जाता है। केजीएफ 1 और केजीएफ 2 की कहानी का नायक रॉकी भी जो कुछ ऐसा ही कर रहा है। वहाँ उसका अपनी माँ से किया वादा है। सालर पार्ट 1 का डी एंड अमिताभ की फिल्म याराना और कालपत्थर जैसा है। निर्देशक प्रशांत नील ने इस बातचीत में माना कि उनकी फिल्मों में अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्मों दीवार, अग्निपथ, काला पत्थर और जंजीर के किरदार से काफी समानताएं हैं। प्रशांत मानते हैं कि अमिताभ जैसा दूसरा महानायक भारतीय सिनेमा में अब तक नहीं हुआ है। ऐसी मूवी न्यूज अपडेट रहने के लिए मूवी मसाला को भी सब्सक्राइब करें।